माता छिन्नमस्तिका का मुख्य मंदिर। भारत के झारखंड राज्य में रांची से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर भैरवी नदी और दामोदर के संगम पर रामगढ़ जिले में रजरप्पा जगह है। वहीं है मुख्य शक्ति पीठों में से एक माता छिन्नमस्तिका का मंदिर। यह तांत्रिक पीठ है और माँ कामाख्या तारा पीठ की तरह तांत्रिकों का धाम है। देवी माँ के भक्तों का मुख्य आस्था का केंद्र, जहाँ हर नवरात्रि भक्तों की भारी संख्या माँ के दर्शन पाने आती है। इस मंदिर के अलावा यहाँ सूर्य, हनुमान, शिव आदि भगवानों के 10 मंदिर और भी हैं। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसकी जानकारी वेदों पुराणों में भी मिलती है। दुर्गा सप्तशती में इस मंदिर की बात की गई है। आज भी इस मंदिर में जानवरों की बलि लगती है। इस मंदिर में काली पूजा, मंगलवार और शनिवार को बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। बलि के बाद सिर्फ पुजारी ले जाते हैं और धड़ बलि चढ़ाने वाले को दे दी जाती है। ये एक अनोखा चमत्कार है कि बलि के दौरान जो खून निकलता है उस पर एक भी मक्खी नहीं बैठती है। माँ छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा। एक बार भगवती माँ अपनी दो सहचारियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उनकी दोनों आंखें सहचारियों को भूख लगने लगी। भूख के कारण उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन दोनों ने माँ भगवती से उनकी भूख को शांत करने की विनती की। माँ भगवती से उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आसपास खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। बस माँ का कलेजा भर गया। उन्होंने अपने शीश को तलवार से काट दिया और गर्दन के दोनों ओर खून की धार बहने लगी। माँ ने इन धारों से उन दोनों की भूख को शांत किया। एक तीसरी धार को माँ ने स्वयं पान किया। अतः माँ अपने भक्तों से अति प्रिय हो गई, जो दिल से माँ से कुछ भी मांगते हैं और माँ उनके प्यार के लिए अपना शीश भी काट देती है और अपना लहू पिलाकर उनकी विनती पूरी करती है।